दोस्तों, JKSSB के रिलेटेड एक बड़ी अपडेट है, एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आप सबके लिए। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शायद कोई और कोई नहीं शेयर करता होगा, डेफिनेटली बाकी सब लोग तो आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट कर देते होंगे, लेकिन ये अपडेट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है और इन्फॉर्मेटिव भी है। क्यों वो मैं आगे बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है और आप सबके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं, ये आप लोगों का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर हर एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो अभी के अभी भाई साहब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपने अपडेट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, मैंने आपके लिए ये कल यानी 4 अगस्त का अपडेट है। हालांकि मुझे कल ही इसके बारे में आपको अपडेट देना चाहिए था, लेकिन काफ़ी बिजी शेड्यूल के चलते मैं इस चीज़ पर इस बात पर कोई वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आई एम आउट ऑफ द स्टेशन, सो दैट्स वाई आई कुडंट मेक ओवर इट, ठीक है, आई कुडंट मेक इट ऑन इट। तो अच्छा, मसला ये है कि भाई 142 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनकी रिकमेंडेशंस विदहेल्ड थी, ठीक है। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन कैंडिडेट्स को बार 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 बुलाने पर JKSSB ने बोला था कि भाई साहब आओ और अपनी रिकमेंडेशंस क्लियर कराओ, ठीक है। अगर आप रिकमेंडेशंस क्लियर नहीं करते हो तो आपको मेरिट लिस्ट से आउट कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स उसके बाद ऐसा हुआ कि ये लोग अपना जो इनको रिकमेंडेशंस थी वो रिकमेंडेशन तो ये फुलफ़िल नहीं कर पाए, रिकमेंडेशन क्लियर नहीं कर पाए। तो उसके बाद इन लोगों का नाम जो है वो लिस्ट से हटा दिया गया, और फिर इन लोगों ने केस वगैरह किया, और केस के रिलेटेड अब मैं आपको इसलिए ये क्यों बता रहा हूँ कि आप सब लोगों के लिए ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जितनी भी JKSSB की रिक्रूटमेंट होने जा रही है, जितनी भी पोस्टें JKSSB एडवर्टाइज़ करेगा या सिलेक्शन लिस्ट आउट करेगा, तो उसमें ऑब्वियसली भाई आप लोगों का, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका नाम ज़रूर आएगा, तो उनके लिए ये एक सबक आमोज, ये एक मतलब लेसन वाली ये वीडियो है और ये अपडेट है कि भाई अगर आप ढीलापन करते हो या अगर आप झूठी अपनी ये डालते हो कि नहीं मेरे पास एक्स सर्विसमैन का है, और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, तो उस वजह से जो है वो आपका नुकसान हो सकता है, बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अगर आप झूठ में अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कराते हैं और उसके बाद आपने झूठी कैटेगरी फिल किया है, भाई मान लो आपकी ST कैटेगरी नहीं है और आपने ST कैटेगरी डाल दिया, उसके बाद जब बारी आई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो वहाँ पे आपने ST कैटेगरी, क्योंकि आप ST हैं नहीं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा, वहाँ से जब आप फेल हो जाते हैं वो प्रोवाइड करना, तो फिर आप ऐसा करते हैं कि आप कोशिश करते हैं कि भाई नहीं मतलब अब क्या किया जाए कुछ, अब क्योंकि कुछ और रास्ता होता ही नहीं है, लोग फिर छोड़ देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि एक तो JKSSB का टाइम भी बर्बाद हो जाता है और आप लोगों का भी नुकसान होता है इसमें। तो अब क्योंकि आप आइंदा आने वाली जितनी भी बहुत सारी पोस्टें आने वाली है JKSSB की, उन सब के लिए थोड़ा सा होशियार रहिएगा, फॉर्म फिल करते टाइम ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपका जो मतलब कैटेगरी है क्या है, या कुछ भी जो अपनी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आप प्रॉपर फिल किया करें। बाकी कंप्यूटर के हवाले ना किया करें, साइबर कैफ़े वाले के हवाले ना किया करें, क्योंकि बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले जल्दी हड़बड़ाहट में पता नहीं क्या क्या भर देते हैं और इतनी मिस्टेक्स करते हैं फॉर्म फिलिंग में। तो आप इस कोशिश को अवॉइड करें, इस चीज़ को जो है वो अवॉइड करें और ऐसा ना करें, ठीक है। तो आप अपना फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म खुद फिल करें या अपनी आंखों के सामने फिल कराएं, वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन आप चेक करें कि भाई क्या चीज़ गलत लिखी है क्या चीज़ सही लिखी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों
फिर जाके कहीं आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ सकता है, जब प्रॉपर आप मेरिट लिस्ट में फॉल करोगे और आप जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, आपने फ्रॉड से अपना नाम नहीं दिया होगा, तो कहीं ना कहीं फिर आपको एलिजिबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि अब मुद्दे को लेके बात करते हैं, 142 कैंडिडेट्स की जो रिकमेंडेशन विथहेल्ड थी और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था JKSSB ने, और बोर्ड को ये डायरेक्ट किया गया था कि अब बोर्ड ने भाई JKSSB बोर्ड ने बार बार डायरेक्ट किया था, बोर्ड ने क्या किया कि उन सारे बच्चों को लिस्ट से बाहर निकाल दिया। तो वो सारे बच्चों ने फिर क्लेम किया कि भाई नहीं, हमारा नाम जो है वो हमारा नाम इस लिस्ट में था और हम नहीं दे पाए, कुछ ऐसा सीन हुआ था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेंट्स ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द एबो मेंशन वन मे बी कैंसिल मे पे वे फॉर सिलेक्शन नेक्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। असल में बोर्ड को मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि बोर्ड को अब नेक्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट करना है, कि मतलब अब मान लो 142 बच्चे के 142 लोग अगर फेल हो गए रिकमेंडेशन फिल कराने की, तो भाई आगे के नेक्स्ट जो 142 बच्चे होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा JKSSB को, जो लगता है जो मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं या वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं JKSSB के हिसाब से, तो उनको डाल दिया जा सकता है। ठीक है, अब JKSSB ने तो भाई अपना काम करना है, वो थोड़ी ना आपको और हमको पूरे दो दो साल चार चार साल तक वेट करेगी। तो भाई आप बाबूजी आओ, बड़ी सुर से बड़े मज़े से आओ, और उसके बाद हम आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, आपका वेलकम करेंगे, आपको माला पहनाएंगे। ठीक है, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, तो कहने का मतलब ये है कि भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ इन चीज़ों को लेके, थोड़ा सा सीरियसली इन चीज़ों को लो। कुछ लोग झूठी ये डालते हैं कि भाई मैं ग्रेजुएट हूँ इस डेट से पहले, हालांकि वो ग्रेजुएट नहीं होते हैं, झूठी JKSSB के फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाती है तो भाई JKSSB के लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, और बच्चों का, गरीब बच्चों का नाम दब जाता है, गरीब बच्चे जो होते हैं उनका नाम लिस्ट से, मतलब गरीब क्या जो डिजर्विंग बच्चा होता है, बेचारा मेहनती बच्चा होता है, उसका नाम लिस्ट से निकाल दिया जाता है। ओबियसली जब आता ही नहीं है लिस्ट में, निकालेंगे क्या। तो भाई मैं आज आपसे इस वीडियो के ज़रिए से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में ना पढ़ें, ऐसी चीज़ें ना करें, ये ऐसी फालतू चीज़ें ना किया करें। बाकी मतलब अगर आपको कोई जेन्युइन आपका जो अगर आपका जेन्युइन कैटेगरी है तो वही मेंशन करें, बाकी ऐसा फ्रॉड या ऐसी चीज़ें ना किया करें फॉर गॉड्स सेक। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ समझ आ गया होगा। और यहाँ पे मसला एक और था, ये क्लास फोर्थ की बात में कर रहा था, हालांकि यहाँ पे पूरी तरह से मेंशनड है, बट मैं आपको बता दूं ये क्लास फोर्थ का मसला था, और इसमें इन्होंने एक और कंडीशन रखी थी कि भाई मिनिमम हम 10th रखेंगे, मैक्सिमम हम 12th रखेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वही चीज़ बता रहा है कि भाई रिकमेंडेशन विद हेल्ड थी, हमने उनको बोला तो उनने रिकमेंडेशन क्लियर नहीं कराई, तो अब फिर उनको कैंसिल कर दिया गया। अब कैट ने इस चीज़ का ऑर्डर दिया है कि अब जो है वो उन बच्चों ने जिन्होंने किया कहा था उमर फारूक वर्सेस टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड टेरिटरी एंड अदर्स, तो उनके केस को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब मतलब ओबियसली अगर आप टाइम से नहीं गए हो या अगर आपको ठीक है तो अगर गवर्नमेंट को लगता है या हायर अथॉरिटीज़ को लगता है कि भाई नहीं इसमें चीज़ में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, तो इस चीज़ के बारे में जो है वो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ पोस्टें निकली हैं एयर इंडिया की, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, वो आप ज़रूर देखें। तो मेरा टेलीग्राम चैनल अभी के अभी ज्वाइन करें, बाकी मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।